हेलो, गंगा यमुना सरस्वती पावन धरती पर प्रयागराज के लोकसभा फूलपुर और इलाहाबाद के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, समर्थक साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित डिप्टी सीएम परम आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे सम्मानित मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, सम्मानित मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ जी, सम्मानित मंत्री जी श्री सतीश महाना जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे सम्मानित विधायकगण, हमारी बहन रीता जोशी जी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से, हमारे नगर की बहन अभिलाषा गुप्ता जी। साथियों, आज हम लोग किसका सुनने आए हैं? अपने देश के महाशक्तिशाली श्री नरेंद्र मोदी जी का सुनने के लिए आए हैं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी अपना दल यस और निषाद राज पार्टी के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि जिला पंचायत की चार बार अध्यक्ष रहने से आपके बीच में जाने का जो सरोकार आपके बीच में रहा है, साथियों, हमने देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आपके मन में कितना स्नेह है, जिन्होंने पूरे देश में एक स्वस्थ वातावरण देने का काम किया है। साथियों, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं आज हमारी बहनें, खासकर आबादी की आधी संख्या हमारी बहनों ने, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और इलाहाबाद जैसे जगह पर दोनों प्रत्याशी महिला के रूप में उतारा है। देश की आधी आबादी हमारी बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही इस बार चुनाव प्रचार में, मैं अपनी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के अलावा आज जो गठबंधन ठगबंधन तैयार हुए हैं, 17वीं लोकसभा चल रही है। साथियों, 17वीं लोकसभा में कोई ऐसा नहीं गठबंधनों के बीच में जो 34-34 सीटों में लड़ रहे हैं, ये देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। साथियों, इनके अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है, इनका गठबंधन ठगबंधन में बदल जाएगा और ये सांप और नेवला इकट्ठा हो गए हैं, इनकी कतई नहीं पटेगी, ये चुनाव के बाद सब भाग जाएंगे। मैं अपने साथियों से निवेदन करती हूँ कि आगामी 12 मई को कमल के निशान के सामने बटन दबाएं और इतनी बटन दबाएं कि अपने देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाएं। साथियों, अपने सभी साथी कार्यकर्ता साथियों, बूथ तक के साथियों, सेक्टर के साथियों, आप लोग जिस अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए भारी से भारी वोट दिलाएंगे। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम।